Assalamualaikum everyone. अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो kindly comment कर दें. I'm testing this another platform called Zoom, और Zoom की एक और paid service है जिसके अंदर ये allow करते हैं कि आप live 100 लोगों को इकट्ठा लेके उनके साथ गटर बटर गटर बटर करना शुरू कर दें. तो मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही है, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है. comment करेंगे तो मुझे पता चलेगा. अगर आवाज़ आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दीजिए, नहीं आ रही है तो भी बता दीजिए. आई गेस आप लोग नहीं कर सकेंगे अगर नहीं पता होगा तो, बट आई एम टेस्टिंग इट आउट के किस तरह से ये काम करता है. तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये इंटरनेट पे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड भी हो रही है और पॉडकास्ट भी हो रही है और स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं. कॉलिंग भी है इसके अंदर. फिर पार्टिसिपेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई भी इन्विटेशन कैसे भेजेंगे. Okay, attendees 1, promote to panelists. Okay, Rosina is here, that's cool. हेलो सर। हाँ Assalamualaikum, कैसी है, आवाज आ रही है? जी सर, क्या आवाज आ रही? एक्सेलेंट. आपकी आप मेरी वीडियो नहीं होगी क्योंकि जी जी वीडियो ऑन कर सकती हैं आप? नहीं सर, क्योंकि यहाँ लिखा रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। ओके, इंटरेस्टिंग. उस बेचारे को तो चलाना ही नहीं आता, वो क्या है डिसेबल करेगा. चेंज रोल अब नेक्स्ट. अब आप यस होस्ट हो गई हैं. ओके, तो ये तो बड़ा लंबी कहानी है. ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, फिर चलता है मोबाइल. खुद पहली दफा देख रही हूँ इस ऐप को। राइट, खैर मैं इसको काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट फॉर दिस पर्पस. सो लेट्स सी कि यहाँ क्या हो रहा है. कर रहा हूँ बट आई हैव So it's नेवर better यूज्ड इट now. फॉर दिस. हाँ, आप कुछ बोलिएगा जरा. हेलो हेलो टेस्टिंग. हाँ, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप कुछ बोलिएगा जरा. हेलो हेलो टेस्टिंग. जी आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट, सो नाउ अब इसके अंदर कैसे करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है. चाहिए
लोगों के कमेंट्स भी पता नहीं कहाँ गए, कमेंट्स नजर नहीं आ रहे। आपकी सर आवाज बहुत बेहतर आ रही है और पहले से, बाकी मुझे नहीं पता कि ये क्या है। So I have to learn this. चले अगला सवाल निपटाते हैं, इसको फिर पता नहीं कब सीखना होगा। वीडियो सेटिंग मेरे ख्याल था कि हम साइड बाय साइड इसको कर सकेंगे, बट कुछ इस कसम का मुझे लग रहा है कि जो भी बोलता है उसी की आवाज़ स्क्रीन पे आ जाती है, शक्ल स्क्रीन पे आ जाती है, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक। अच्छा चलिए आप अपना सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सर एक मेरा जो सवाल था वो ये था कि एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो है वो क्या सही है कि जो पाबंदी लगाई जाती है सोशल मीडिया पर, या फिर हम बिहेवियर को या किसी तरह से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इम्पोर्टेंट होती है, तो वहां के एम्प्लॉयज को किस तरह, कौन से एथिक्स होंगे जिनको वो फॉलो करें। पाकिस्तान में ऐसी कुछ पॉलिसीज फॉलो किए जाती हैं, आई नो के वैसे तो पॉलिसीज बनाई जाती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये सोशल मीडिया यूसेज पॉलिसी जो है, मेरा ये ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत क्लोज्ड है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सोशल मीडिया अगर वो बंद करते हैं तो दैट्स फाइन। बट अगर आप आज की जितनी भी टेक कंपनीज ले लें जिसके अंदर लोग चड्डे पहन के और टी शर्ट पहन के काम कर रहे होते हैं और ओपन इन्वायरमेंट होते हैं, उस सिचुएशन में सोशल मीडिया को बंद मेरा नहीं ख्याल के वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है और उसके अपने गोल्स क्या है और उसकी माइंड सेट क्या है कि वो किस तरीके से लोगों को आगे लेके जाना चाहती है। And unless and until ये बात डिसाइड हो जाए कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किस तरह की है और क्या करना चाहती है, सोशल मीडिया इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द एंटायर सोशल मिक्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ज़ाती जो कंपनी है उसके अंदर जो मेरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था उसकी ख्वाहिश थी कि उसके फेसबुक को बंद कर दिया जाए और ऑफिस के आवर्स के बाद चलाया जाए, इवन दो किड्स अटेक कम। सो आई पर्सनली डोंट एग्री विद दैट बिकॉज आई डोंट इवन यूज ईमेल एनीमोर, आई डू एवरीथिंग थ्रू फेसबुक। बट इन ऑपरेशंस हो सकता है कि वो बेहतर समझता हो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज ऑल कि आप क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं अपने मुआशरे को रेस करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रेस करते हैं। कुछ हमारे आपको लोग मिलेंगे वो कहेंगे जी आप तगड़ा फाइन लगा दें, 10,000 रुपये का फाइन लगाएं, 50,000 रुपये का फाइन लगाएं तो लोग सही काम करेंगे। कुछ आप कहेंगे लोग कहेंगे इंसेंटिव दें तो लोग अच्छा काम करेंगे। सो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमारा जो मुआशरा है ना, इन जनरल हमारा जो कल्चर है वो खौफ के बेसिस पर चला जाता है, वो हर चीज़ में खौफ इस्तेमाल किया जाता है। मौलवी साहब हमें ये बताते हैं कि अगर हमने अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें जन्नत मिल जाएगी,
तो मतलब हमें कॉन्स्टेंटली डरा के बच्चे जो है उसको भी डराया जाता है और स्कूलों में भी डराया जाता है, पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाओगे, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फियर। तो हम एक फियर बेस्ड माशरे में रहते हैं, और जब हम एक फियर बेस्ड माशरे में रहते हैं तो उसके अंदर कंट्रोल जो है वो फियर बेस्ड ही चलाए जाते हैं। और जो एक ओपन माशरा होगा जिसके अंदर आप ट्रस्ट बेस्ड काम कर रहे होंगे, वहां पर आपको एक डिफरेंट मैकेनिज्म में काम करना होगा, जो कि अब उभर रहा है ग्लोबल मुआशरा जो आ रहा है उसके अंदर ओपननेस ज्यादा है। आप अपने घर पे बैठ के काम कर रही हैं, लोग अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो केपीआईज जो हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के पैटर्न्स जनरेट होंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली लोगों के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप ऑफिस 8 घंटे 9 घंटे आए हैं या नहीं आए हैं, आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपकी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये काम सही हो रहा है या आप ये आदमी सही कर रहा है या ये गलत कर रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर चीज चल सकेगी। सो आई डोंट पर्सनली थिंक कि इसका सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक है, इसका तो मुआशरे के ओवरऑल सोशियोलॉजी से ताल्लुक है कि टोटल सोशल स्ट्रक्चर है क्या। अगर आप एक 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 बहुत ही स्टेजेस होते हैं, आपने शायद माज़लोस हायरार्की ऑफ नीड्स देखी हो, अगर नहीं देखी तो गूगल कर लें। और माज़लो इन्हें रिसर्च करके दिखाया था कि हायरार्की है, कि नीड्स की हायरार्की है। तो हमारा जो मुआशरा है उसका भी एक स्टेज है। एक और टर्मिनोलॉजी है, आपने अगर नहीं पढ़ी तो जरूर कर लें, कॉल्ड स्पायरल डायनामिक्स। इसके अंदर माशरे का स्टेज दिखाया जाता है कि ओवरऑल एक कंट्री माशरती तौर पर, जहनी तौर पर कहाँ, कलेक्टिवली कहाँ खड़ी। उसमें ओपन लोग आएंगे, जैसे ही ओपन लोग आएंगे तो वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, एक्चुअली उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो क्योंकि उसका कलेक्टिवनेस से ताल्लुक है, तो माज़लोस हायरार्की ऑफ नीड्स अगर आप खोलें और उसको अगर आप देखें तो सेम चीज है कि किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी बेसिक्स में फंसी हुई है, जो बेसिक्स है इंसान की, फूड स्लीप शेल्टर शामिल है, तो वो बिल्कुल नीचे है, वहां पे टाइट आपको रखना पड़ेगा, माशरे को डंडा रखना पड़ेगा, जैसे चाइना था, जैसे इंडिया था, टोटल बंद था। फिर उसके बाद आती है फिजिकल सेफ्टी आती है, फिर उसके बाद लव बिलोंगिंग, थोड़ा सा मेरा मिलनसार आता है, फिर सेल्फ एस्टीम पे काम किया जाता है, फिर सेल्फ जी एक्चुअलाइजेशन पे काम किया जाता है। तो जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे पहुंचेंगे तब फिर कोई पाबंदी हमारे ऊपर नहीं लगाई जाएगी, पर फिर हमें, क्योंकि हम एक्चुअलाइज हो चुके होंगे, हमारे पास जो लोग काम कर रहे होंगे वो सेल्फ एक्चुअलाइज होंगे, वो अपने मिशन अपने पर्पस के बेसिस पे चल रहे होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं सकती जब तक के नीचे वाले स्टेजेस को वो मुआशरा क्रॉस ना कर सके। तो जब तक हमारे गुर्बत खत्म नहीं की जाएगी, ये एजुकेशन को लोग बार बार टच करते हैं, एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज मोर ऑफ हमारा मुल्क इकोनॉमिकली कमजोर है, हमें इकोनॉमिक्स को ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक नहीं करना है। एजुकेशन इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम इन प्लानट अर्थ। अगर आपके पास इंटरनेट है, डिवाइस है, आप करेक्टेड हैं, और मैं आपको कतः पहलानी माफ कि मैं आपको करेक्ट करता चलूँ, कि पाकिस्तान के मेरे हिसाब से 98% जगह पर हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपका ये ख्याल है कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, मैंने फिजिकली तौर पर जाकर, मेरे पास पाकिस्तान के हर कोने से लोग कनेक्टेड हैं, और ऐसे ऐसे जगहों से लोग इंटरनेट पे चलाते हैं जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। तो और ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई स्पीड हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट सोशल मीडिया जो फेसबुक है खास तौर पे, वो फ्री में अवेलेबल है, यानी आपको पैसे भी नहीं देने होते फेसबुक चलाने के लिए, पूरे बुक में बेसिक फेसबुक चलाने के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल टू एजुकेट, टू एम्पावर पीपल। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जॉब से नहीं आती खाली, जॉब से जो है वो लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड ही वाले अगेन चीज़ें हो रही होती हैं, वो फिर आप उनको सिर्फ भूखा रहने से भुका रहे होते हैं, और पेट तो भर रहे हैं हमारे सारे लोगों के, लेकिन वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं आ रहे, जो कि खुद ही होती है, जो कि उसकी खुद क्रिएटिविटी, मोरालिटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस है, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग ऑफ लाइफ, यू नो, इनर पोटेंशियल सब बाहर आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जब आता है जब आप सारे स्टेजेस को
क्रॉस करते हुए चले क्रॉस जाते हैं। कर नीड, देते हैं. फिजिकल नीड जब तक पूरी नहीं होगी, ये हमारा पीछे लिम्बिक ब्रेन है, इसको लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं, कोई लिम्बिक ब्रेन कहता है, वो पीछे है, जो रेप्टेलियन ब्रेन है, वो उसकी जरूरियात जब तक पूरी नहीं होंगी, उसके बाद बीच में मंकी ब्रेन है, फिर ये फ्रंटल लोब है जो कि इंसान है, जिसको ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर हम शौर. सोच शऊर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तक पुरानी नीड्स पूरी नहीं होंगी, आप आगे वाली समझाते रहे समझाते रहे, लोग आपको पागल और चरिए कह जाएंगे, क्योंकि आप आपकी शायद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुकी हो, लेकिन जो बाकी लोग आपके चारों तरफ हैं वो अभी नीचे वाले में, ना उनके अंदर मोहब्बत है, ना उनके अंदर सिक्योरिटी है, ना वो अपने, वो हर वक्त खौफ में है। तो खौफ वाला जो माशरा है वो तरक्की नहीं करता, कभी भी नहीं कर सकता। और लेकिन उसको खौफ वाले माशरे के जरिए कंट्रोल करना आसान होता है। आप देखें, अगर आप चाइना को ले लें, चाइना इज अ रीसेंट एग्जाम्पल, वहाँ हर चीज खौफ से है। आप सिंगापुर को ले लें, सिंगापुर में आप पान नहीं थूक सकते, आपको जेल हो जाएगी, च्युइंगम नहीं खा सकते, आपको जेल हो जाएगी। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाए और आप पुलिस में रिपोर्ट ना करें तो आपको 14 साल की जेल हो जाएगी। मतलब इस किस्म का ये क्या कहना चाहिए, मुल्क है, क्यों स्ट्रिक्ट लॉ है. फियर बेस के ऊपर लॉ को इम्पोज कराया जाता है। तो जब हम गरीब होते हैं तो हमें मजबूरी होती है कि फियर के बेसिस के ऊपर हमें इम्पोज कराया जाए, लेकिन एक वक्त आता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आप ऊपर आ जाते हैं। जब आप ऊपर आ जाते हैं उस स्टेज के अंदर, एज अ कंपनी, एज अ ह्यूमन, सबसे पहले आपको एम्पावर होना है, फिर आपके माशरे को, आपकी कंपनी को होना है, फिर आपके माशरे को होना है। तो जब आप खुद बहुत पावरफुल हो जाते हैं, आपके अंदर सलाहियत होती है, रेजिस्टेंस की ताकत होती है, तो फिर आप अपने अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं, या आपका जो पार्टनर है, या 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, देन माशरे के ऊपर वो कंपनी असरअंदाज करती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर आप एग्जाम्पल ले लें, करीम की, ऊबर की, फेसबुक की, मोबाइल फोन की, इंटरनेट की, ये किसी कुछ लोगों के चेंज होने की वजह से ये माशरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, ना कि सिर्फ उनके अपने माशरे पर असरअंदाज हो रहे हैं, बल्कि ग्लोबल माशरे पर असरअंदाज हो रहे हैं। आप अगर स्टीव जॉब्स को ले लेंगे या स्टीव वॉजनियाक को ले लेंगे, तो उन्होंने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वजह से, अपने आप को ढूंढने की वजह से पूरी दुनिया को बदल डाला, हालांकि वो एक ही इंसान थे। तो ये रिसेंट एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप घूम फिर के, सारी कहानी हमसे शुरू होती है, बाहर से शुरू नहीं होती, क्योंकि अगर हम सीढ़ी गलत लगाएंगे, अगर हम अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, तो हमारे पास वजन उठाने की ताकत ही नहीं होगी। हम, और ताकत किस चीज के लिए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए चाहिए कि आप रिएक्शन ना दें। जब आप पे कोई बुरा कहे, गाली दे, गुस्सा करे, तो आपने मुस्कुराते रहना है, आपने खुश रहना है, आपको आपकी वो मुस्कुराहट और आपके अंदर की कामनेस दूसरे को उठा के बाहर फेंक देगी, वो रिएक्ट नहीं करना है। इधर आपको गुस्सा आया, इधर आप धड़ंग नीचे आ जाएंगे वापस, तो वो गुस्सा आता कहाँ से, वो अगेन फिर पीछे वाली जगह से आ रहा होता है, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पुराना जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है वो इस तरह से डिजाइन है कि वो फायरवॉल है, एक एंटीवायरस की तरह है। जैसे ही कोई उसको नई चीज मिलती है, वो कहते हो गुस्सा में आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है, इसलिए कि वो रिक्वायरमेंट है। आज से 100 साल पहले तो बाथरूम भी नहीं थे ना, घरों से बाहर जाके बाथरूम करना पड़ता था, घरों में सांप आ जाते थे, जानवर आ जाते थे, तो गुस्सा और फियर हर वक्त हम उसमें रहते थे। तो ये जो 10-20 साल हमारे साथ, इंसान इंसानियत के साथ गुजरे हैं, जो आए हैं, इसने पूरी इंसानियत को हिला डाला है कि ये क्या हो रहा है, और सारा कुछ चेंज हो रहा है, तो इस स्पीड से चेंज हो रहा है कि बहुत मुश्किल है कि एक आम आदमी संभाल सके। और आई फील, आई डोंट नो, बट आई फील के यू हैव क्रॉस द लॉट ऑफ दोज लेवल्स एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आई वुड सजेस्ट यू दिस बुक, इट्स कॉल्ड द सेपियंस, Sir, एंड let me note it down its name. आई गिव इट टू यू लेटर Sapiens ऑल्सो, इट्स by कॉल्ड sure, सेपियंस, sir. एंड यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको पूरी सुने तो यू विल अंडरस्टैंड कि मुआशरा कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, और अगला जो मुआशरा है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ पर हमारा दिमाग टेक्नोलॉजी से इंटरफेस करने जाएगा। यानी कि हम सोच रहे होंगे कि गूगल में ये कहाँ लिखा हो, तो हमें पहले ही पता होगा। दैट इज स्केरी फॉर पीपल। एंड अभी मैं कहीं पे था तो प्लांटेशन की बात हो रही थी कि जी अंदर किसी ने प्लांट कराया, तो और उस प्लांट का मतलब, इम्प्लांट का मतलब भी कोई नहीं, सिर्फ सिंपल आरएफ चिप थी।
वो आरएफ चिप जो कि डेड आरएफ चिप थी, जो कि हमारे शनाख्ती कार्ड में भी अंदर लगी हुई है, वही वाली चिप जो सबसे बेसिक वाली होती है, वो चिप लगाने के लिए बाकायदा प्रोटेस्ट किए गए और लोगों तैयार किया गया कि जी अब आप में से कौन लोग हैं जो चिप इम्प्लांट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि 99% लोग तो घबरा जाएंगे ना भाई यार, लोग मोबाइल से घबराते थे अगर आपको याद हो, इंटरनेट से घबराते, तो हर नई चीज से लोग घबराते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि आप उसको सहल अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में लोगों को समझाएं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है। और आपका ख्याल है कि लोग नहीं सुनते, मेरा भी ये ख्याल था कि लोग नहीं सुनते, लेकिन एक्चुअली लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन वो डरते हैं, वो खौफ में शिकार होते हैं कि जी ऐसा ना हो कि पड़ोसी मेरा नाराज हो जाए, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाए, मोहल्ले वाले क्या करेंगे, बेटी का रिश्ता नहीं आएगा, बेटा घर में है, बेटी नहीं मिलेगी, 25,000 उसके दिमाग में फियर, जो उनके पुराने जमाने के फियर है, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको कुछ भी नया नहीं करने देते। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, कि हम फियर वाले माशरे में रहते हैं, पाकिस्तान इज अ फियर, फियर के जरिए इम्प्लीकेशन किया जाता है। आपने अगर कभी तकरीर सुनी हो किसी की, तो किस तरह से पॉलिटिकन जो है वो तकरीर करता है, या ज्यादातर जो हमारे टीचर्स हैं, किस तरह से डिबेटिंग सिखाई जाती, चिल्ला के, चीख के, क्योंकि जैसे ही आप चीखते हैं या चिल्लाते हैं तो आपका अलर्टनेस ऑन हो जाती है और आप उस फियर मोड में ऑन हो जाते हैं, तो आप ज्यादा रिटेन करते हैं, इसलिए चिल्लाया जाता है। इसलिए तो घूम फिर के, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो चेंज हो, याद रखें 300 साल पहले तक लोगों को जला दिया जाता था किताब हाथ में देखने की वजह से। अगर ये किताब आज से 300 साल पहले या 100 साल पहले पब्लिश होती, तो इसकी वजह से जला दिया जाता, इस आदमी को जला दिया जाता कि कैसी बातें लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, सबर सबर सबर, पेशेंस, प्रसिस्टेंस, यू नो, वल असर इनल इंसान लफी खुसर सबर, पेशेंस एंड सबर इंक्लूड्स प्रसिस्टेंस, नॉट जस्ट कि जी हाथ को नहीं, अपने अपने हिस्से पे का काम जारी रखना है, अपने हिस्से का काम जारी रखना है, वो जो लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको लेते रहना है। जैसे ही आप लोअर हैंगिंग फ्रूट्स को एम्ब्रेस कर लेंगे, आप देखेंगे कि फिर कायनात आपकी हेल्प करती है, खुदा आपकी हेल्प करता है, लोग आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। यू हैव टू डू समथिंग एंड कीप ऑन स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे काम, स्टे ओपन, स्टे, यू नो, स्टीव जॉब्स की सिंपल है, स्टे फूलिश एंड स्टे हंग्री, हंग्री टू लर्न, फूलिश टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, फूलिश टू ट्राई समथिंग न्यू, दैट्स ऑल, एंड यू जस्ट डू दैट, एवरीथिंग चेंजेस। इट टेक्स टाइम, takes patience, but change does happen. I have seen so much change happen. It's just enormous. Log sunte hain, eventually sunte hain. Shuru mein nahi sunte aur hum disappointed jaldi ho jate hain na. Hum kehte hain yaar ye log itni mehnat kar rahe hain, fayda payenge. Lage hain raat ki 4 baj rahe hain, baatein kar rahe hain. Ye koi tarika hai baat karne ka, ye koi time. So, you know, like it doesn't really happen overnight. It takes a lot of time for any change to happen. Sorry for the long answer. सर यही, नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और बहुत कुछ सीखा है मैंने इस जवाब से। उसमें यह है कि पेशेंस और कैसे आप, अगर मैं अपने सवाल पर ही रहूं तो आपने जिस तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की, वो आप कहते हैं कि अगर वो टॉप मैनेजमेंट के लेवल की बात है तो लोअर पर आपको रिस्ट्रिक्शंस, जो मैं समझ पाई हूँ, मैं आप वो बताना चाह रही हूँ कि लो लेवल पर आपको लॉ एनफोर्समेंट करवाने हो, कि अल्टीमेटली जब लोग सीख जाएंगे एंड वंस दे अंडरस्टैंड देयर पर्पस, तो वो ऑटोमेटिकली लॉ एनफोर्समेंट या उस चीज की जरूरत नहीं रहेगी, दे कैन एंजॉय देयर फ्रीडम एंड दे कैन बी प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम। और हाँ, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव, क्योंकि वो आजाद महसूस करेंगे खुद को पहले से ज्यादा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आजादी है ना, वो सोच की आजादी है। अगर आपकी सोच आजाद नहीं है,
जो कि अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी तरफ आप समझती हैं वेस्ट में आपको, आप हम बहुत सारे लोग वेस्ट से इंस्पायर होते हैं, तो वेस्ट से इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पायर इन टर्म्स ऑफ हमें सीखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपने आप से इंस्पायर होना है कि मैं भी उसी तरह का एक इंसान हूँ जिसकी दो आंखें हैं, दो कान, उतना ही दिमाग है, हम लोग ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, लेकिन हम उस फियर में फंसे रहते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाते। फियर को बिल्कुल छुट्टी दे दें, जितने जल्दी छुट्टी दे देंगे फियर को उतने जल्दी आप आगे चले जाएंगे, लेकिन फियर का मतलब को छुट्टी देने का मतलब ये नहीं कि हम बदतमीज़ हो जाएं, फियर को छुट्टी देने का मतलब ये नहीं है कि हम बदमाश हो जाएं, कि जी हमें पुलिस से डर नहीं लगता, हम डाकू करेंगे, हम यू नो गड़बड़ करेंगे, वो फियर की बात नहीं हो रही, उन फियर्स की बात नहीं हो रही। जो जनरल एथिकल वैल्यूज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम सबको मालूम है, अंदर से आवाज़ आ जाती, कंपस लगा हुआ है, आवाज़ आ जाती जब हम गलत काम करते हैं तो पता चल जाता है कि यार ये गलत है सही। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता, बुद्धू थोड़ी इंसान है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, हमें पता चल जाता है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, हम आंखें बंद करते हैं, चुप करके निकल जाते हैं। तो दैट्स वेयर इवेंचुअली इट विल हैपन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करती हैं या करते हैं, वहाँ आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपने मुस्कुराते रहना है, चेंज लाने की कोशिश करती रहनी है, और एक वक्त आएगा आप इतनी ताकतवर हो जाएंगे कि आपकी ताकतवर की वजह से वो चेंज आ जाएगा। गोल्स बड़े बनाने, छोटे गोल्स खुदा के वास्ते ना बनाए, ये पुराने ज़माने के तरीके से छोटे गोल्स बनाने, बड़े बड़े गोल्स बनाए। आपके पास ताकत है कि आप 1 बिलियन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा को कर सकते हैं, आपके पास है ताकत, लेकिन हम उस ताकत को जब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें रियलाइज हो जाए कि ये हम कर सकते हैं। अगर हम खुद ही यकीन नहीं कर सकते अपने ऊपर कि हम ये कर सकते हैं, तो कौन माइका लाल हमें कोई भी चीज बता सकता है या सिखा सकता है, कोई भी नहीं सिखा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ, एक तो सेल्फ बिलीव मेरे ख्याल से एक और चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो फियर कम करने में बहुत अहम हो सकता है, और अगर हम शुरू से ही उस चीज को लेकर चलें और आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए, एक दिन में नहीं लेकिन इवेंचुअली हम सीख जाएंगे कि हम किस किस तरफ जाना, किस सिम्त में जाना चाहते हैं और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। एंड वंस यू रियलाइज योर पर्पस, तो उसके बाद मेरे ख्याल से और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, आप फोकस ज्यादा हो जाते हैं। और तो सर बस यही एक था कि यही मैं जानना चाह रही थी कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम लोगों में सुधार पैदा कर सकते हैं। यही एक छोटे से सेल से एक बड़ी बॉडी, एक बड़े सिस्टम तक भी हम जा सकते हैं, तो लेकिन हमें अभी खुद से स्टार्ट करना है, खुद से स्टार्ट करके खुद एक एग्जांपल बन के, व्हाट आई हैव लर्न टुडे, खुद से स्टार्ट लेकर खुद एक एग्जांपल सेट करके दूसरों के लिए, उसके बाद दूसरों को मोटिवेट करना है, उनको सुनना है, और उसके बाद उन्हें मोटिवेट करना है जो हम चाहते हैं, अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू अस। एंड सेकंड आपका सवाल था कि 5 पागलों वाले तरीके बताएं जिसके जरिए हम अपने दिमाग को रीवायर कर सकें सोशल मीडिया के जरिए, राइट सर? ये दिमाग जो है ना, इसको डिस्क करना बहुत मुश्किल काम है, ये इसको फोकस में लाना बहुत मुश्किल काम है, व्हाट आई थिंक। ओके, सो मतलब मेड टू आंसर द क्वेश्चन? यस सर। ओके, मैं आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आज तक किसी ने पूछा, एंड आई विल गिव यू व्हाट आई नो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऐसे जितने लोग हैं जिन जो आपको नेगेटिव कंटेंट भेजते हैं फेसबुक पे, उनको आप अनफ्रेंड कर दें पहले। सेकंड, आप मेरे फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में जाएँ, वहाँ जाकर 500 से 1,000 लोगों को अपने पसंद के ऐड कर लें, क्योंकि मैंने सेलेक्टेड 5,000 लोग दुनिया से जमा किए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छे हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। जब आप उनको अपने पास ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो न्यूज़ फीड है उसमें पॉजिटिव कंटेंट और डिफरेंट कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, जो कि एक जनरल सक्सेस है। उसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें स्टीव वॉज़नियाक है, उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल का मालिक है, उसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हुए हैं। उनको आप अगर अपना अपना लें, उनको अपना बना लें, तो
वो आपका टोटल चेंज लाने में बहुत मदद करेंगे, और ये हम 500 लोगों के साथ करके प्रूव कर चुके हैं कि ये इट वर्क्स. तो अगर आप 500 ऑफ माय नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड्स से स्टार्ट करें, अक्सर नॉन पाकिस्तानियों को वैसे भी शिकायत है कि उनके साथ लड़कियां ऐड, पाकिस्तान में क्या लड़कियां नहीं रहती, तो आप अगर एज अ लड़की उनको ऐड करेंगे तो वो खुशी से आपको ऐड भी कर लेंगे, क्योंकि दे वांट टू नो द वुमेन साइड ऑफ पाकिस्तान. दे ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी मेन, बट दे आल्सो नो वांट टू नो वुमेन साइड ऑफ पाकिस्तान. थर्ड आप क्या करें, थर्ड आप क्रेजी वेज चेंज करने का यही है कि आप लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू कर दें. जब आप किसी को इंटरव्यू करते हैं तो जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो आप कहते हैं यार चलो चाय पीते हैं चल के. मैं ये नहीं कह रहा लड़का लड़की की सिचुएशन में, बट एक जनरल लाइफ की सिचुएशन में, तो चाय आप जब ऑफर करते हैं, जब आप उस पर इतना खर्च करना चाहते हैं कि भाई चलो चाय के ऊपर देखते हैं, चाय का खर्चा ही होगा ना, $10-$2 लगेंगे या $1 लगेगा, तो वी विल फाइंड आउट कि जी इसमें इतना पोटेंशियल है कि इसको लंच पे बुलाया जा सके. सो 15 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन होती है टिपिकल एक चाय में, वरना आप उसको भगा देते हैं, चल भाई चल यहाँ से छुट्टी करो. बट अगेन इफ यू इंटरव्यू द पीपल आई हैव एडेड ऑलरेडी ऑन माई फ्रेंड लिस्ट, you will find amazing human beings, amazing experiences, aur aap unko study kare pehle, phir unko request kare, phir unko kahe ji meri blog hai, video blog main karti hu and I want to interview for my blog. aapki relationship banegi unke sath, jaise aaj aap mere sath ek relationship bana rahi hain ki aap mujhse baat kar rahi hain, aap mujhse seekh rahi hain, main aapse seekh raha hu. yaad rakhiye hamesha student is also a teacher. बिकॉज आपके सवाल इतने बढ़िया थे कि जिसकी वजह से मैं, मुझे नींद नहीं आएगी अगर मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ. इसलिए नहीं करा रहा कि मुझे आपको जवाब देना, मुझे ये सवाल इतने खूबसूरत है कि इनको जवाब देने का मेरा दिल चाह रहा है. हमेशा अच्छे सवालों का जवाब देने का दिल चाहता है, ख़राब सवालों का जवाब देने का. ऐसा सवाल का जवाब जो यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाए, ऐसे सवाल बेकार है. उसको तो यूट्यूब गूगल से पूछना चाहिए कि जी 2+2 क्या होता है, इसका तो कोई फायदा नहीं है. लेकिन आपने डीप सवाल पूछे, तो दिस इज व्हाई आई एम गिविंग देम. अगर आप ये तीन स्टेप्स कर लेंगी तो आप तैयार हो जाएंगी अगले और स्टेजेस के ऊपर जाने के अंदर, और आपको फिर रास्ते ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी हायर की ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी. सिर्फ आज की बात है, अर्लियर एक लड़का है, उसने मेरे 2,000 या 2,500 फेसबुक फ्रेंड चोरी किए. स्टीव वॉजनियाक के साथ उसने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, जिसने एप्पल कंप्यूटर इजाद किया, वो स्टीव वॉजनियाक का पार्टनर बन गया. तो उसको मैंने आज कहने लगा मैं अब नेटवर्किंग ही करूंगा, मैंने कहा नहीं, अब आप नेटवर्किंग ही करेंगे, अब आपका देने का टाइम है. यू गो आउट एंड टीच पीपल कि आप नेटवर्किंग करते कैसे हैं, यू विल बिकम अ मिलियनेयर जस्ट बाय डूइंग दैट, जस्ट बाय टीचिंग कि ये नेटवर्किंग का पावर होता क्या है, फायदा क्या होता है. आप कोई मजाक नहीं, आप स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर कंपनी बना रहे हैं, आप 19 साल के हैं. अगर आप जैसे पाकिस्तान के अंदर 50-60 पैदा हो गए तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या हाल होगा भाई, कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आप पावरफुल हैं, यू आर चेंज मेकर. सो एंड नाउ बिकॉज वी लिव इन अ वेरी इंटरकनेक्टेड प्लैनेट, हम सिर्फ लैंग्वेज के बैरियर रह गए, खासतौर पर उर्दू के अंदर, क्योंकि बाकी ज़बानें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाती हैं, उर्दू अभी तक नहीं होती है, तो वो भी हो जाएगा इवेंचुअली. बट टिल दैट हैपेंस, इफ यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दीज़ पीपल, you will see a huge change within yourself. So agar aapne structural re-engineer karna hai, sociology jisko kehte hain, to agar aapne unko re-engineer karna hai to aasan tarika ye hai ki in, you know, garbage in garbage out, but good in good will go out. agar aap unko achhi kitabein suggest karenge, jaise aapko batayenge, aap unko aapke ilaka hai koi gaon hai jahan par अगर लोग पढ़ नहीं सकते तो उनको ऑडियो बुक्स दे दें. हर एक के हाथ में फोन है, हर एक के फोन में MP3 फाइल चलती है, MP4 फाइल चलती है, तो यू कैन गिव देम एन ऑडियो बुक के लिए आप डेल कार्नेगी की ये किताब सुन लो. आप पढ़ दें किताबें अगर नहीं है, तो आपको भलाई फैलानी है ना, अच्छी किताब लें, उसको जाके यूट्यूब पर पढ़ के डाल दें, कोई कॉपीराइट खत्म हो गई, आप आराम से सारी दुनिया को आप वो किताब बांटते फिरना शुरू कर दें. तो दिस 3 स्मॉल लिटिल थिंग्स विल चेंज योर लाइफ and everybody else's life in your surrounding, because people will then come to you because you become a thought leader. if you ek pakistan ki main ladki ko nahi janta hu social media pe jisne 100 interview abhi tak kiye, ek bhi nahi hai. aur 100 interview karne ka matlab ye nahi hai 100 logo se mulaqat kare, 15 minute gappe lagaye, apne views unko unse sune, unki wisdom ko hasil kar le. that's all it takes and you will, you know, be phenomenal. Okay.
that. Great. We'll take a break for the azan. Yes, sir. Okay, your next sawal is very interesting. Also, wo ye hai ki kya social media se mulk ki policy pe tabdili aa sakti hai? Are you there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Social media is just another tool, just like TV or akhbar. Koi farak nahi hai isme. इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये कि लोग मीडिया क्रिएट कर रहे हैं. पहले एक अखबार था, एक टीवी स्टेशन था, फिर 10 टीवी स्टेशन हो गए, आज 100 टीवी स्टेशन है. तो ज़्यादा लोग मीडिया क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. आपके पास मल्टीपल एंगल्स ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया. अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के 160 कॉलेजेस में से अगर सारे बच्चे रोजाना 5 मिनट की वीडियो अंग्रेजी में बना के डालना शुरू कर दें पाकिस्तान के बारे में, तो पूरी दुनिया हिल जाएगी. क्योंकि पाकिस्तान का वो सारे बच्चे फेसबुक चलाते हैं, सारों को अंग्रेजी आती है, लेकिन अगर वो 5 मिनट की वीडियो रोज बना के अपने मुल्क के बारे में, अपने दीन के बारे में, अपने बारे में स्प्रेड करेंगे, तो कॉन्टेंट आपकी नॉलेज से भर जाएगा. जो नॉलेज क्रिएट करता है वो रूलर होता है, जिसकी किताबें अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, इसलिए अंग्रेजी में कंटेंट अवेलेबल है, इसलिए हम अंग्रेजी सीखते हैं. अब हम चाइनीज सीखने जा रहे हैं क्योंकि चाइनीज में कंटेंट अवेलेबल है, लाखों लोगों ने पीएचडी कर ली. तो अगर हमारे जबान में कंटेंट आएगा तो लोग हमारी जबान सीखेंगे. आज मैं 3 महीने पहले एक अमरीकन से मिला, कल के वीडियो में मुझे एक बच्चा बता रहा था, मेरा स्टूडेंट, कि उस अंग्रेज को मैं उर्दू सिखा रहा हूँ क्योंकि उसके इतने 500 दोस्त हो गए. वो कह रहा है भाई मुझे उर्दू सिखा दो. फिर मैंने एक और को अपनी दोस्त को कल हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि रेहान आप कैसे हैं, सब ठीक है, अरे यार वो तो भाई एक अम्मा जी है, कभी जिंदगी में पाकिस्तान नहीं आई, उसको उर्दू कहाँ से आ गई. इतने पाकिस्तानियों के साथ कनेक्शन हो गया उसका कि उसने पाकिस्तानी सीखना शुरू कर दी. सो दिस इज हाउ चेंज कम्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. रिमेंबर, आपने शायद सुना हो कि एक तितली के उड़ने से जलजले आ जाते हैं. हर चीज आपस में कनेक्टेड है, हर चीज आपस में कनेक्टेड है. हमें इसका एहसास नहीं है लेकिन एक्चुअली हम सब आपस में कनेक्टेड है. बिल्कुल जिस तरह से हमें मालूम है कि ये दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं कुछ गिरता तो नहीं है, तो हम कहते हैं कि यार वो दुनिया तो नहीं घूम रही, लेकिन कोई गिर ही नहीं रहा यहाँ पे. तो फिर इसी तरह दुनिया जो है वो चारों तरफ वो बहुत ही तेज सूरज की तरफ भी चक्कर लगा रही, तो हम स्पेसशिप के अंदर है फिर भी हम कह रहे हैं यार कुछ होता तो है नहीं. जिस तरह हम जहाज में बैठे होते हैं तो जहाज में फील नहीं होता कि हम इतने ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हर चीज हिल रही होती है. बिल्कुल इसी तरह हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, हम सब की आपस में कनेक्शन है. जिस तरह हमें मोबाइल से मोबाइल पे बात करते हुए कि तारे नजर नहीं आती, इसी तरह इंसानों से बात करने की तारे नजर नहीं आती. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कनेक्टेड नहीं, वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, वी जस्ट डोंट नो हाउ टू गूगल. जैसे हमारी नानी को गूगल करना नहीं आता इन्फॉर्मेशन, इसी तरह हम एक दूसरे के ब्रेन से अभी तक गूगल नहीं कर सकते. मे बी अ टाइम विल कम देन व्हेन वी कैन डू दैट, बट फॉर नाउ इफ वी आर ऑन द सेम क्वेश्चन व्हिच इज के डज इट इंपैक्ट, यस इट इंपैक्ट्स, बिकॉज़ इवेंचुअली मुझे याद है मेरे जो दो दो तीन तीन लेटरों से मुल्क की पॉलिसियां चेंज हो चुकी है. सिंपल एक लेटर, और आई रोट इट आउट ऑफ द ब्लू. आई वाज लाइक मे बी समबडी विल डू समथिंग. एक दफा मैं बैठा हुआ था नारान के अंदर, और इंटरनेट उस वक्त नहीं होता था नारान में, मोडम होते थे पुराने जमाने में, यू नो 3G 4G, तो 2G भी कुछ भी नहीं होता था. सो मैंने एक लेटर लिख दिया कि जी अगर हमने नारान के अंदर 10 लाइनें भी इंटरनेट की ना दी तो नारान और पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो मैंने लेटर लिख दिया. 2 महीने के बाद अनाउंसमेंट हो गई अताउर रहमान साहब ने कर दी कि जी पूरे पाकिस्तान में जितने छोटे शहर हैं वहाँ से फ्री में आप कॉल करके बड़े शहरों में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं. फिर इसी तरह मैंने एक सजेशन, उस वक्त
मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्मॉल लिटिल थिंग्स. तो द थिंग इज वे वी थिंक आवर सेल्फ एज नोबडीज. अगर हम अपने आप को खुद ही नोबडी समझेंगे तो somebody, why would somebody think of us as somebody? शेख रशीद अहमद इज somebody. Why? Why? Why was he the trained minister? What did he do to earn that credit? Why? Because he was speaking. आप और मैं चुप करके गूंगे बन के बैठे रहेंगे तो फिर वही चलाएंगे जो ज्यादा बोलेंगे. देखें, जो ज्यादा बोलता है उसकी ऑटोमेटिकली, अगर आपने 100 किताबें लिखी होती तो आपकी बात कोई तो मानेगा ना यार, चाहे आप गलत बोल रहे हो. चाहे डार्विन की थ्योरी अगर गलत है तो आपने कौन सी थ्योरी लिखी है? आप तो सिर्फ बातें करते रहते हैं कि जी ये भी गलत है वो भी गलत है. आप किताब लिख डालें, आपको किसने रोका? उसके साथ एक प्रूफ रीडर चाहिए होगा ना, जो प्रूफ को रीड करेगा, बताएगा आपके कौन कौन से प्रूफ हैं जिसके बारे में आपने किताब लिखी. तो यू नीड टू डू, वी नीड टू टेक एक्शन विच मीन समथिंग इन दैट रियालिटी. तो आज की रियालिटी में हमें किताब लिखने की जरूरत, अच्छी बात है किताब लिख दे, बट यू कैन मेक वीडियोज, यू कैन राइट अ ब्लॉग. बहुत सारे लोग मलाला से शिकायत करते हैं, कितनी बच्चियां हैं जिन्होंने 8 साल 9 साल की उम्र में ब्लॉगें लिखना शुरू कर दी. मलाला लिखती थी जब ही तो मशहूर हो गई. अब आपके बच्चों से भी क्या, आप भी लिख लें यार, आप भी मशहूर हो जाएंगे, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं. यू नीड टू टेक स्मॉल एक्शंस व्हिच विल इवेंचुअली इंपैक्ट लार्ज थिंग्स. मलाला को मालूम था मेरी ब्लॉग लिखने से मैं मलाला बन, यूसुफजई नोबेल अवार्ड मिल जाएगा मुझे. सो यू डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट यू विल क्रिएट, बट यू डू व्हाट यू थिंक इज राइट विद With honor, with respect. ये किसी की बेइज्जती नहीं करनी कभी भी, क्योंकि आपने जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि हमारे मुआशरे में लोग ऐसे हैं वैसे हैं, नाराज हो जाते हैं, भाई उनका क्या कसूर है? उनको यही मालूम, अगर वो हिंदुओं पैदा हो जाते तो वो हिंदुओं किस तरह इसी तरह लड़ रहे होते, अगर वो कुछ और पैदा हो जाते वो भी इसी तरह लड़ रहे होते. उनका कसूर तो नहीं है ना, बट दे आर डूइंग वट दे थिंक इज राइट. दे थिंक इज राइट, इट डजेंट मीन इट्स राइट टू यू, but they are right, they are not wrong. matlab sir ji wo galat hai, they are ill, they are less informed. So in order to give information we have to listen. jab wo thak jaye humse puche, humse dosti kar le, hame is layak samjhe ki hum unko kuch sikha sake, tab hum unko bataye. jaise aapne sawal kiya to main betab hu batane ke liye, lekin aap kahe nahi mujhe sawal nahi. aap sawal paida to kare, aap logon se sawal kare to sahi. हम सवाल नहीं करते. अब यही ये सर बहुत अच्छी आपने बात की कि वन शुड स्टे न्यूट्रल, क्योंकि हम बाइस्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी. न्यूट्रल रहकर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है और लोग सुनते हैं. आपने बहुत मुझे बहुत हैरत हो रही है जो आपने ये लेटर की बात मुझे बताई कि कहां से किस तरह से वो बात कहां से कहां तक पहुंची. तो इसका मतलब ये है कि जो मैं सोचती हूँ वो उस तरह से नहीं है. हाँ, आपको अपने वॉइस रेज करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप जाके चिल्लाना शुरू कर देंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुने. नो डाउट. अगर आप जाके उनको रिस्पेक्ट देंगे, आप जाके उनको इज्जत देंगे, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे. हमारे यहाँ पहले हर हफ्ते एक हमारे साथ एक साथी काम करते थे, हम हर हफ्ते वाले हर मंगल को 9 बजे किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में स्टूडेंट्स को लेके जाते थे. और ना उनको मालूम होता था कि हम आने वाले हैं, ना स्टूडेंट्स को मालूम होता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं. बस स्टूडेंट को मैं बुलाता था, 9-10 लोग आ जाओ और उसके बाद डिसाइड करते हैं आज कहाँ जाना है. मुँह उठा के दफ्तरों में चले जाते थे, वहाँ उनको चाय मिलती थी, वहाँ उनको समोसे मिलते थे. कभी उनको मैं मेरे नाम से या किसी और के नाम से नहीं जाते थे, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जाते थे टू गिव देम रिस्पेक्ट. सर आप हमारे लिए काम करते हैं, आप हमारे लिए मेहनत करते हैं, हम आपसे मिलने आए हैं और कुछ भी नहीं. अगर आप चाय पिलाएंगे तो पी लेंगे, नहीं तो आपको दुआएं देके चले जाएंगे. हम जब जाते हैं किसी गवर्नमेंट के दफ्तर, जब हमें कोई काम होता है, हम कभी रिस्पेक्ट देने के लिए जाते नहीं. तो जब आपकी मासी आपके पास सिर्फ काम के लिए आएगी, पैसे तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो, तो आप मासी की तनख्वाह तो नहीं बढ़ाएंगे. आप कहेंगे यार जब मेरी जरूरत होती है तो तुम तो आती नहीं हो, तुम मेरे पास आया करो, बैठा करो, आपा जी कैसी हो, ठीक चल रहा है, सब बच्चे ठीक हैं, तो आप खुद ही तनख्वाह बढ़ा दें. लेकिन आप हर दफा सिर्फ तनख्वाह बढ़वाने अगर आ जाएंगे तो फिर मासी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी. तो यू हैव टू रिमेम्बर
supplies everywhere. बिल्कुल, तो इसका मतलब सर सर आप समझते हैं कि हमारे जो हर लेवल पर, हमारे एज अ नेशन हर लेवल पर, चाहे वो जिसने आपने ही बताया कि ये स्टूडेंट और गवर्नमेंट का है, कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा. लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उसकी वजह से सफर करते हैं बहुत ज्यादा. यह ऐसा नहीं है, सर्कल्स में डिवाइडेड है उसकी वजह से. अगर आप समझती हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में ऐसा ही होगा. तो जो हम समझते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा सर्कल में यही हो रहा होता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं या मैं सही हूँ. आपने अपनी रियलिटी को चेंज करना है. अगर आप समझती हैं कि ऐसा है तो उसके लिए काम करना शुरू कर दें. मैं आई एग्री, हमारे यहाँ कम्युनिकेट करने को अच्छा नहीं समझते, हमारे यहाँ डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं. हम जो है वो समझते हैं कि अगर हमने किसी से सवाल कर लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी. हम समझते हैं कि अगर हमने बड़े से को क्वेश्चन कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा हमसे. हमको ये सिखाया गया है, तो ऐसा है तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ऐसा है भी एट द सेम टाइम. यानी कि मुझे मुझे मालूम है कि मुझे लोगों से बात करने के लिए कितना अपने आप को बदलना पड़ा है. मुझे खौफ आता था लोगों से, और नाराज हो जाएंगे मैंने अगर कुछ बोल दिया तो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. 25,000 खुद ही सवाल खुद ही जवाब, खुद ही सवाल खुद ही जवाब. भाई आप रिस्पेक्ट दें और सवाल कर दें. आप किसी की बेइज्जती ना करें, कभी भी किसी की बेइज्जती ना करें, क्योंकि आप कुछ भी कर लें वो एक इंसान है, एक अच्छा इंसान है. आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, चाहे उसने गलत काम क्यों नहीं किया. रिस्पेक्ट दें, बिल्कुल रिस्पेक्ट दें कि आप उससे रिस्पेक्टफुली सवाल करें, वो आपको जरूर जवाब देगा या आपसे माजरत कर लेगा, दोस्त मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये मेरा प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो कर लो. अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे ना तो भी वो आपको जवाब दे देगा. इट इज ऑल. मैं आपको अपनी एक और एग्जाम्पल देता हूँ. मैं एक कॉन्फ्रेंस में खड़ा हुआ था और मैं एक 1,500 लोगों में या 2,000 लोगों में एक आदमी था जो शेरवानी पहन के गया. और मैं जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो अब मैं शेरवानी पहन के जाता हूँ. मैं कहता हूँ ना भाई, खूबसूरत सी लड़की तो होनी हुई कि तो मुझे तरफ तरफ देखेंगे, तो मैं शेरवानी पहन के खड़ा हुआ. तो जब मैं शेरवानी पहन के खड़ा हुआ था तो शेख मोहम्मद गुजरे, मैंने उनको दुबई के, मैंने उनको सलाम किया. फिर बिल क्लिंटन गुजरे, उनको सलाम किया, सर हाउ आर यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आई होप यू डूइंग वेल. उन्होंने मेरी तरफ पलट के देखा, वापस आए, मेरे से हाथ मिलाया, ठीक है आप सब सही चल रहा है, फिर वापस चले गए. All I did was give him respect. That's all, nothing more. और मैं खामोशी से खड़ा रहता, सलाम नहीं करता, तो वो मेरी तरफ अटेंशन कैसे ले रहा था. You have to do something to get attention from people, because आजकल के दौर में 2 बिलियन लोग फेसबुक पे हैं. रेहान अल्लाह वालों को कोई क्यों फॉलो करेगा, आप सैयदा रोजीना को क्यों फॉलो तो फॉलो करेगा. So you have to give something in order to get something back, and it's a relationship. It's a give and take. It's not about agar aapka niya aap kisi aadmi se shaadi karte hain ya kisi aurat se shaadi karte hain wo aapki zaruriyat puri nahi karta to aap chutti karke chale jaate. Very simple. It's a relationship. Business, job, employer, employee, citizen. Aap hum apne हुकुमरान या तो नहीं कहना चाहिए, हम अपने जो MPAs, MNAs हैं इनके इज्जत भी नहीं दे सकते. फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए काम भी करें. फिर किस खुशी में काम करेगा यार, तुम सुबह से शाम तक सिवाय जूती चटकाने के, जूती दिखाने के क्या करते हो? व्हाट हैव यू डन फॉर देम? सिवाय इसके के जाके वोट दे देते हो. अरे वो तुम्हारा क्या नौकर है, अपना टाइम निकालता है, अपनी अपने करता है, मेहनत करता है तुम्हारे लिए, सुबह शाम निकालता है, अपना फोन नंबर पब्लिकली अवेलेबल करता है, बात करता है. आगे से तुम इज्जत भी नहीं दे सकते उसको, तो यार छोड़ो यार, तुम खुद ही गड़बड़ो. तो इट्स यू हैव टू गिव. एंड याद रखिए, जब आप मिसाल के तौर पे, मैंने आपसे कहा आप वीडियोज बनाएंगी ना, तो जब आप वीडियोज बना के सिखाएंगी तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जिनको आपने सिखाया वो आपको कुछ देंगे. कुछ भी नहीं दे सकते वो आपको, लेकिन जिसके लिए आप दे रहे हैं, जिसकी वजह से, जिस खुदा की वजह से, जिस अच्छाई की वजह से आप दे रहे हैं, वही अच्छाई आपसे बड़े को मजबूर करेगी आपको देने पे.
जब आपकी जरूरत होगी ना, आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा, कहेगा ये लो तुम्हारा काम पूरा हो, वो इंसान नहीं देगा जिसको आप दे रहे हैं। उससे आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो आपको कभी कुछ दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता वो। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको कोई और देगा, और उस वक्त आपको अपना हाथ आगे करना चाहिए, लेना चाहिए। अपनी इज्जत को नाक का मसला नहीं बनाना चाहिए। कोई आपको दे रहा है, जरूर लीजिए। अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है, जरूर लीजिए। अगर आपको कोई तोहफा दे रहा है, इल्म दे रहा है, जरूर लीजिए और आगे ट्रांसफर कर दीजिए। That's a very beautiful thought. It's how it works. It's not a beautiful thought, it's an experience. Every single person who I have met, जो अच्छे काम करते हैं, मैं आपको उनकी एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। ये ही एक्सपीरियंस है कि कार्मा कम्स टू यू एंड गिव्स बैक टू यू। आपको जादू से चीजें होंगी, जादू से, सब चीज जादू से होती है, और इट्स मैजिक, इट्स रियली मैजिक। इट्स व्हाई डू आई से मैजिक, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड एंड मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। कोई उसको सूफीज़म कह देता है, कोई उसको कुछ स्पिरिचुअलिटी कह देता है, कोई उसको कुछ कह देता है, बट इट हैपेंस। इट्स नेचर्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जो लोग भी हमारे से ऊपर आज बैठे हुए हैं ना, आप यकीन कर लें कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये ऐसे नहीं पहुंचे वहां तक। इन्होंने बहुत, मैंने हम बहुत सारे पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते हैं, मेरी पर्सनल मुलाकातें जब भी हुई हैं तो आई फाउंड देम हम्बल, I found them loving, I found them caring, I found them as a great human being. वो जो कुछ करते हैं, जिस जो पॉलिसी गलत बनाते हैं, जानबूझ के नहीं बनाते, बट दिस इज वेयर दे आर। आपके वालदैन आपको जो कर सख्ती करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो आपसे नफरत करते हैं, वो उनको यही आता है। आपने अभी अपने ग्रैंड फादर की बात करी, आपके ग्रैंड फादर अगर आपके साथ अलाइन नहीं है, सख्ती करते हैं, दैट्स वट ही नोज, that's his life, that's his experience. You can't say ki wo galat hain. They are right, absolutely right. But who will educate them? It's our job slowly, slowly educate them. Just like unhone hame ek ek niwala apne muh mein daal ke khilaya na, to beta ek niwala aur kha lo, ek niwala bhag bhag ke piche bhag bhag ke ek niwala khilaya, to wahi stage hota hai, and you can really change them. But it takes a lot of patience, a lot of time, it takes a lot of work, but people change. I have seen so many people change, and you were saying that aapne bahut sare logo change hote hue dekha. To me, if you just change their friends, everything changes. Aapko agar baaki change lana hai to you join our program, you know, add my friends. I have found this, nothing better than this. You know, aap paise zyada kharch karke aap bahut sare aur kaam kar sakte hain. But this costs nothing. आप अपनी मासी के बच्चे को बोल सकते हैं, बेटा रहन भाई के 100-500 दोस्त चोरी कर लो, वो मासी के बच्चे की जिंदगी चेंज हो जाएगी, और उसको फ्री में एक लैपटॉप भी मिल जाएगा, उसकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि नाउ द मासी का बच्चा इज लर्निंग फ्रॉम बॉस्नियाक्स ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन दैट बच्चा हैड नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनीथिंग, नाउ ही हैज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द प्लैनेट। एंड इफ यू थिंक के आप और अच्छे लोगों को जानते हैं, तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करें और उस लिस्ट को आप पब्लिशली अवेलेबल कर दें। ये मेरी किताब है, इसका नाम है ऐड मी एंड इट टेक्स हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आई विल सेंड यू अ कॉपी। और उसमें आखिर में हमने लिस्ट लगाई है ऐसे लोगों जिनको आपको ऐड करना चाहिए। सो यू कैन मेक योर ओन बुक, आई मीन हु इज स्टॉपिंग यू, डजंट कॉस्ट एनीथिंग, डजंट कॉस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट, दैट्स ऑल। एंड That's how we can change societies. That's how we can be impactful. Yes, that's how we change. So, sir, मुझे इससे आपकी एक बात से याद आया कि हम बचपन में खेतों में जाते थे अपने गांव में, तो वहां पर हमारे बुजुर्ग थे, मैंने कहा कि बेटा जब तक आप बीज नहीं लगाते ना, तब तक आपको, आप ये नहीं कह सकते कि आपको फल मिले। आपको बीज लगाना पड़ता है, आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके बाद आपको उसका समर मिलना शुरू होता है। आप अगर मैं यहाँ जमीन पर रोता रहूं कि मेरे पास अनाज नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अल्लाह ने नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने बीज नहीं लगाया, मैंने अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया. तो दिस इज वॉट आई हैव कंक्लूडेड टूडे कि मैंने अभी तक अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया जितना बेहतर तौर से मैं अपने आप को इस्तेमाल कर सकती थी. तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टूडे. और ये बहुत अच्छा टूल है सर. अभी आपकी मैं इंटरव्यू देखकर ही आई वॉज रियली गेटिंग इंस्पायर्ड कि एक बच्ची है फैसलाबाद से, एक लड़की है बिल्कुल हमारी तरह है, और वो सामने आई और कैसे शी वॉज द वे शी वॉज कम्युनिकेटिंग. बहुत अच्छा है कि आहिस्ता आहिस्ता सर ये एम्पावरमेंट सब में आ जाएगी मेरा ख्याल है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब सब लोग सुनने लगेंगे और सब लोग मानने लगेंगे इस चीज को. आज से 10 साल 20 साल पहले इंटरनेट को कोई जानता समझता पूछता नहीं था. मैं सर डायलॉग से शुरू किया था और आज यहाँ पर आए हम. तो इंशाल्लाह मतलब चेंज इससे ज्यादा मजीद अच्छा और पॉजिटिव हम ला सकते हैं सोसाइटी में. अल लुक फॉरवर्ड सर जो आपने बुक्स रिकमेंड की हैं, और होप सर आप मुझसे शेयर करते रहेंगे जो भी अच्छा कंटेंट हुआ. बाकी मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट को बहुत हिट करूंगी अब. और आई ऐड पीपल एंड आई स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम और स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम इंशाल्लाह. दिस इज तो मेरे काफी जो मेरे दिमाग में बातें थी वो क्लियर हो गई हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया से रेलिवेंट. बस एक चीज थी छोटी सी कि हम कैसे हॉक्स और फेक और ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं सोशल मीडिया पर चीजों को, कंटेंट को जो हमारे पास है अवेलेबल. अगर हम कुछ सीख रहे हैं या कोई सीखना चाह रहा है तो वो कैसे जान सकता है कि ये चीज सही सोर्स से है, ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़कर यकीन मान लेते हैं जो मैंने देखा है. आप पढ़ के यकीन करने के बाद एक जुमला बोल दें कि मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, और वेरीफाई करने के लिए आप 10 मिनट लगेंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे. इट्स नो लॉन्गर विद अगेन यू नो विकिपीडिया मौजूद है, गूगल मौजूद है, आप बहुत जल्दी वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स को. और आपको जो फैक्ट्स मिलते जाएं आप विकिपीडिया पे पोस्ट करते जाएं. हमारे फैक्ट्स को वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी. ये जो बिल्डिंगें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो रोड्स हैं, ये बत्तियां हैं, ये बिजली है, ये किसी ने कंट्रीब्यूट की हैं, किसी ने सोचा है, किसी ने, कोई बावला था, कोई पागल था जिसने सोचा कि ऐसा हो सकता है. तो आपको थोड़ा सा बावला पागल बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंज आ जाए. अगर आप बावला पागल नहीं बनेंगी तो भी दुनिया में पहले भी हजारों मिलियन लोग रहते थे, अभी भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, हम भी कुछ नहीं करेंगे. तो बैठे हैं 200 मिलियन, क्या कर रहे हैं अल्लाह को वालों में. 200 मिलियन में से हम अगर कहें 50 की लिस्ट निकाल के दो जो जो हमें याद है जिन्होंने कोई हमारे लिए किया है, हमें याद नहीं है. तो बिकम दैट पर्सन. एंड आपको मैं स्ट्रांगली एक और मूवी सीरीज सजेस्ट करूंगा, द मैन हु मेड अमेरिका. एंड उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 7-8 लोगों की कहानियां दिखाई हैं कि किस तरह से वो नोबडीज थे और किस तरह से उन्होंने एम्पायर्स क्रिएट कर लिए, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सका. और अमेरिका में भी 100 साल पहले कुछ ना रोड्स थे ना बिजली थी, बिजली नहीं होती थी. अब आप हमारे लोग बैठे हुए और हमारे तो बिजली नहीं होती, हम कुछ कर ही नहीं सकते. अब जब बिजली नहीं आती थी उनके लिए तो उन्होंने बिजली ईजाद कर ली. आपके पास बिजली नहीं आती तो आप सिर्फ पसीना ईजाद करके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते. तो आप कुछ करें, कुछ एक्शन लें अल्लाह के वास्ते. जब आप कुछ करेंगे तो कुछ असर होगा, जब कुछ करेंगे ही नहीं तो कहाँ से कुछ होगा. दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. इसके अलावा मेरे फ्रेंड लिस्ट फोरम शहजाद है, उसको बार बार बोला गया है कि आप मंथली मीटअप कर लिया करें. इस्लामाबाद और पिंडी का वो नहीं करता है, हमारा मीटअप हर हफ्ते होता है कराची में. इसी तरह लोगों से मिलने के लिए, दिलासा देने के लिए, हौसला देने के लिए आए बैठे. कल जुम्मा है तो कल होगा या आज होगा. तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी करें, और उससे यही होगा कि जब आपको हम ख्याल लोग मिलेंगे तो आप कहेंगे अच्छा मैं खाली अकेला पागल नहीं हूँ, तो आई कैन ऑल्सो डू समथिंग. मतलब सर ये क्या इस्लामाबाद से लोग जो हैं वो एक जगह पर आते हैं या वो मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन?
नहीं जी, फिजिकली आके मिलते हैं और बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। अच्छा, तो आई अप्रिशिएट अगर मैं उसका पार्ट बन सकूं इट्स और पब्लिक सीख सकूं उन लोगों फैसिलिटी, से आप कुछ। जाके चाय पी के चले जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, फोटो सेल्फी वेल्फी खींचते हैं, पता चलता है हाँ ये इंसान असली है, नकली नहीं है, खाली फेसबुक पे वीडियो नहीं बना रहा। सो और यू कहाँ होता इट्स है? योर चॉइस, जहाँ आप होस्ट करें। अच्छा सही, ग्रेट। तो सर, आप पाकिस्तान कब विजिट करते हैं? मैं पाकिस्तानी ही रहता हूँ। नहीं सर, सर आप बाहर नहीं होते? कराची नहीं, मैं बाहर नहीं होता, मैं कराची में होता हूँ। में? लेकिन सर आप इस्लामाबाद कब आते हैं? मैं इस्लामाबाद जब आता हूँ, जब आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम लिखती हैं, इस्लामाबाद में रहता हूँ। अच्छा नहीं सर, सही समझ गई। सर थैंक्स फॉर योर टाइम, मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह मतलब इन फ्यूचर भी मैं बहुत, अगर मुझे मजीद क्यूरियोसिटीज हुई आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चन। मैं अपने जरूर, स्टूडेंट्स को ठीक, भी ये कहती हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर उसको मिलेंगे जो सवाल सबसे अच्छे पूछेगा। तो बिल्कुल, आप सवाल करती रहें, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप सवाल अच्छे करेंगी, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप सवाल खराब करेंगी, मैं गायब हो जाऊंगा। नहीं सर, आप ये बहुत ज्यादा, आप मैं कहते हूँ कि नवाजिश है आपकी, आपने इतना टाइम दिया और इतना अप्रिशिएट किया इन सवालों को। हालांकि मैं अब जस्ट आई एम जस्ट इन लर्निंग प्रोसेस, इन अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। जो देखती हूँ मैं बस सीखने की कोशिश करती हूँ। अभी तक स्टार्टअप या इंडस्ट्री से मेरा इतना लंबी कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन 1-1.5 साल से मैं मार्केट को स्टडी कर रही हूँ, चीजों को देख रही हूँ। बट आई फेल्ट के सोसाइटी में हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, इट इज वेरी पावरफुल टूल। और कैसे कर सकते हैं, जो मेरे दिमाग में सवाल आते हैं वो मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिए। बहुत अच्छा किया। एंड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग वट एवर यू हैव लर्न इन अ ईयर एंड अ हाफ। अगर आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख दें या वीडियो बना दें, तो इट विल हेल्प पीपल लाइक मी ऑल्सो, बिकॉज देन वी कैन शेयर इट। यू हैव टू रिमेंबर कि जब कोई लड़की कोई वीडियो बनाती है, तो उसको ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दुनिया में एक जनरली औरतों पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। जैसे अगर कोई गाड़ी में औरत बैठी होती है, तो पुलिस वाले भी नहीं रोकते ना, चाहे जैसी भी हो, चाहे बुरके में हो, चाहे निंजा हो, जैसी भी चल जाता है। तो सिमिलरली अगर आप जब कंटेंट बनाएंगी, तो आप खवातीन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा आएँ, और जो लोग खास तौर पे पब्लिकली हैं अवेलेबल, उनको तो कम से कम ज़्यादा पब्लिक में आना चाहिए कि भाई अगर आप जब कोई बात बोलती हैं, तो वो दूर तक जाती है आवाज़, लिटरली आराम से चली जाती है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में शायद 5 to 10% कॉन्टेंट जो है वो खवातीन का ऑनलाइन है, और उसमें कंटेंट ऑलमोस्ट नहीं है खवातीन को। तो अगर आप वीडियो बनाएंगी स्टार्टअप के ऊपर, अंग्रेजी में बनाएंगी, तो वो फार एंड वाइड जाती है। सर मैं बस मैंने बस जितना देखा है, सुना है, सीखा है, मैं वो हाँ, सब कुछ नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ कोशिश करूंगी। हमने पूरा, अब हमारा जो पूरी जिंदगी होती है वो सुनी सुनाई पे चल रही होती है। आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े कि मुझे यकीन नहीं है, पूरी जिंदगी सुनी सुनाई पे चल रही है। ये लेके वैसे पानी नहीं पुनो, कुछ हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं, सर पे जो मुंह के ऊपर नकाब कर लो, क्या हो जाएगा पता नहीं, दीन में कहीं है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन सुना यही है गलत काम है, सर पे हाथ नहीं रखो, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो सुनी सुनाई पे तो पूरी मुल्क चल रहा है, आप सुनी सुनाई को आगे और सुना दें, डजेंट मैटर। आने वाले टाइम में झूठ बोलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 10 साल बाद जितना झूठ है ना, वो सब निकल के सामने आ जाएगा। आप जब तक बोलती जाए, नो प्रॉब्लम। मैंने पता नहीं दानिस्ता ना दानिस्ता तौर पे कितनी गलत बातें की होंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैंने भी सुनी सुनाई आगे ठोक डाली। तो आप इस चीज से ना डरें कि जी पता नहीं है, कर दें। हम माँ बन जा सारी औरतें माँ बन जाती हैं, बीवियां बन जाती हैं, मर्द जो है वो दूल्हा बन जाते हैं, लेकिन कभी पता नहीं कि मर्द शादी कैसे होती है, दुल्हन का ख्याल कैसे रखना है, दूल्हा का ख्याल कैसे रखना है, बच्चे का ख्याल, कोई कोर्स नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन हाथ वीडियो पे आते हुए ओ ऐसा ना हो, गलत बात हो जाए। अरे यार, जब पता, बच्चा पालना आता नहीं, बच्चा लेके आ जाता है घर पे, वो उससे ज्यादा ज्यादा जिम्मेदारी का काम क्या हो सकता है। तो ये डजेंट मैटर, आपको जितना आता है आप कर दें, जितना नहीं आता उसकी फिक्र नहीं करें।
कुछ गलत होगा आप अपोलोजाइज कर लें कि भाई मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं मालूम था, क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। और ऐसी कोई बात मुंह से ना निकालें जिस पे आपको कोई खटखट कर दे। नहीं सर, वो तो ये है कि आई नेवर गेट बाइस्ड, और बाकी मैंने जिंदगी में मेरे वालिद साहब ने या बुजुर्गों ने मुझे एक चीज सिखाई है कि दीन जो है वो निजी मामला है, उस पर बात कभी नहीं करनी लोगों से, क्योंकि इससे वो हर्ट होते हैं। बाकी यू हैव टू स्टे न्यूट्रल, पॉलिटिकल व्यूज, दीन, ये सब चीजें निजी मामला आते हैं और इस पर आप बहस नहीं कर सकते किसी से। हाँ, आप उनके जो वो जिंदगी में जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी, उनको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आप किसी को ना ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो 100% चल पाएगा, क्योंकि अगर आप जो उम्मीद दूसरों से रखते हैं, पहले आप खुद सोचें कि आप खुद कर सकते हैं या नहीं। तो वो चीज है मेरे माइंड में कि हाँ, अगर आप जितना आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन इंटरेक्शन शुरू करो, तो मेरे ख्याल से ये चीज मुझे माइंड में रखनी पड़ेगी जो आपने मुझे बताया कि स्टे न्यूट्रल, गिव रिस्पेक्ट, स्टे हम्बल एंड डिलीवर व्हाट यू हैव। तो दैट्स इट चलें, खुश रहें, अपना ख्याल सर। रखें, बस सर, दुआ और कीजिएगा, और आपको तंग करती रहूंगी मैं अगर मुझे मजीद कुछ पूछना हुआ। हाँ जी जरूर इनबॉक्स कर बहुत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके, लास्ट नहीं सर, सलाम। वालेकुम असलम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो स्टॉप कैसे करते हैं भाई फेसबुक पे से?
Mm-hmm.